दोस्तों यहाँ पे लोग तरसते रहते हैं कि उनके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास है भैया यहाँ पे Redmi Note 8 Pro डिवाइस, इसको आज तीसरी बार एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला है। जी हाँ, तीसरी बार एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला है। तो देख रहे हैं डेडिकेशन लेवल कितना तगड़ा है इसका। बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, आगे वीडियो देखते रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक्स कायम रखते हैं 400 लाइक्स का, तो लाइक प्लीज़ करके जाइएगा वीडियो को। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे Redmi Note 8 Pro डिवाइस में तीसरी बार Android 10 का अपडेट पुश किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे फ़ोन में Android 10 का अपडेट नहीं आया, क्योंकि मेरा फ़ोन मार्च में Android 10 में अपडेट हो चुका था। तो यहाँ पे पहली बार मार्च में अपडेट आया था Android 10 का इस फ़ोन के लिए। उसके बाद मई में यानी कि 2 महीनों के बाद फिर से Android 10 का एक अपडेट पुश किया गया था, जिसे कि कुछ यूज़र्स को दिया गया था, कुछ यूज़र्स को नहीं मिला था, कुछ यूज़र्स ने इंस्टॉल नहीं करा था। तो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं करा था, जो यूज़र्स बच गए थे, उन्हें अब ये अपडेट मिल जाएगा Android 10 के साथ MIUI 11.0.4.0। तो देख सकते हैं मेरे वाले में जो अपडेट मिला है वो स्टेबल है। इसका जो साइज़ है वो 338 MB इसका है, क्योंकि मेरा Android 10 पे ऑलरेडी अपडेटेड था। अगर आपका डिवाइस पिछले किसी भी अपडेट को स्किप कर चुका है, यानी कि पिछला कोई भी अपडेट आया होगा उसे आपने इंस्टॉल नहीं किया था, या फिर नहीं आया था कोई अपडेट, तब आपको फुल रोम का अपडेट मिला होगा 2 GB का। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई 2 GB का अपडेट क्यों आया है, तो उसका रीज़न यही है कि आपको फुल रोम अपडेट मिला है, क्योंकि आपने कोई पुराना अपडेट स्किप किया था या फिर पुराना अपडेट आपको मिला नहीं था। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, एकदम चिल मारना है, अपडेट कर लेना है। बट वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और देखते रहिए भैया क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, क्या बग्स यहाँ पे आए हैं। एक बड़ा सा बग भी मैंने फेस करा है इस अपडेट को करने के बाद। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पबजी गेम प्ले भी आपको दिखा दूंगा, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, और एंड्रॉइड स्कोर भी आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो के लाइक्स का जो एम है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 400 लाइक्स का है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमेशा। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, अबाउट फोन में। देख सकते हैं MIUI वर्जन 11.0.4.0 स्टेबल है, एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है मेरा डिवाइस, और जून का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे मिल चुका है मेरे इस फोन में। इससे पहले मे का सिक्योरिटी पैच मेरे फोन में इंस्टॉल था। अब अगर कुछ चेंजेस की बात कर लेते हैं, तो मी मोर जो एप्लीकेशन है उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, हालांकि ये अपडेट मुझे पहले ही मिल चुका था। इसी तरह से अगर हम चलते हैं मी क्लाउड के अंदर, Xiaomi क्लाउड के अंदर, तो इसका भी इंटरफेस यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, काफी हद तक MIUI 12 जैसा है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसकी गैलरी में एक फीचर मुझे लग रहा है कि नया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में कि नया है या नहीं है, क्योंकि मैंने शायद इस फीचर को यूज़ नहीं करा था। जब गैलरी में जाते हैं किसी इमेज पे और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव वाटरमार्क का, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वाटरमार्क गायब हो जाएगा, अगर आपकी इमेज में वाटरमार्क रहता है तो Redmi Note 8 Pro वाला। तो देख सकते हैं रिमूव वाटरमार्क करके आप वाटरमार्क यहां से गायब कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव कर देंगे तो वाटरमार्क यहां से हट जाएगा। इसके बारे में श्योर नहीं हूं कि नया फीचर आया है या फिर पहले ही अपडेट में मिल चुका था, क्योंकि इस वाले फीचर को मैंने यूज़ नहीं करा था। अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी गैलरी में डायनेमिक स्काई वाला फिल्टर मुझे अभी भी नहीं मिला है, तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ मी गैलरी के अपडेट का। अब इस अपडेट को करने के बाद मैंने एक बग फेस करा है अपने इस डिवाइस में, हालांकि इस बग के बारे में मुझे हर्षित भाई ने बताया था, हर्षित टेक्निकल चैनल से, वो भी काफ़ी कमाल की वीडियोस बनाते हैं, तो उनका चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया ट्विटर पे कि भाई इसमें जो हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन है, पर्सनल हॉटस्पॉट, इसके अंदर जब हम सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे 5 GHz और 2.4 GHz जो स्विच करने का ऑप्शन रहता है बैंड, वाईफाई बैंड, वो वाला ऑप्शन गायब हो गया है। तो मैंने अपने में देखा अपडेट करने के बाद, तो भाई यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो चुका था। और उसके बाद मैंने अपने डिवाइस को रिबूट भी करा, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन अभी भी नहीं आया है। हालांकि ट्विटर पे अंकित भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार उनके वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उनके वाले में ये वाला ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे वाले में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये मे बी एक बग होगा जो कि आने वाले अपडेट में हो सकता है फिक्स हो जाए, बट अभी कुछ यूजर्स हो सकता है इसे फेस कर रहे होंगे। अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगर आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट पहली बार मिला होगा, तो इसका मतलब अब आप नेटफ्लिक्स के अंदर फुल एचडी में कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे हम प्लेबैक स्पेसिफिकेशन में चलते हैं, देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर अब हम फुल एचडी में कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि प्राइम वीडियो में भी ऐसा ही हो जाएगा, तो बिल्कुल भैया ऐसा नहीं है। प्राइम वीडियो में अभी भी आप 540p रेजोल्यूशन पे लिमिटेड रहेंगे। तो देखते हैं Xiaomi कब बातचीत करके व्हाइट लिस्ट कराता है प्राइम वीडियो से अपने इस Redmi Note 8 Pro डिवाइस को। अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पे मैंने कैमरा ऐप ओपन किया, उसके बाद कुछ इमेजेस क्लिक करी, लेकिन मुझे कुछ खास दिक्कत समझ में नहीं आई। देख सकते हैं नॉर्मल जो इमेजेस पहले क्लिक होती थी वैसे ही क्लिक हो रही हैं, मुझे कोई इशू समझ में नहीं आया इसके कैमरा में, और कोई नए फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। और जी कैम इसमें चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी कैम का वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वाले जी कैम को आप ट्राई कर सकते हैं,
तीनों ही कैमरा लेंस वर्क कर जाएंगे। वीरो केजाइन भाई का है, देख सकते हैं तीनों ही लेंस इसमें वर्क करते हैं और बढ़िया इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हैं, पोर्ट्रेट वाली, नाइट साइट वाली सारी। अब अगर एंटीटू स्कोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का एंटीटू स्कोर, जो कि थोड़ा कम लगा मुझे पहले के कंपैरिजन में। एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है 5000 का, बट ये वेरी करते रहते हैं हमेशा। इसका ये मतलब नहीं कि भाई एंटीटू स्कोर बेकार हो गया तो मतलब परफॉर्मेंस एकदम डाउनग्रेड हो गई है। परफॉर्मेंस अभी भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात हो गई, थोड़ा पबजी गेम प्ले भी करके आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसमें पबजी गेम प्ले करते हैं, ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। स्मूथ और एक्सट्रीम पे सेट है, हालांकि HDR गेम प्ले भी कर सकते हैं अल्ट्रा तक, लेकिन स्मूथ एक्सट्रीम में ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे पहली बात, आप मेरे को गेम प्ले में जज मत करना, क्योंकि भैया मैं नूव खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पे 60 FPS देखने को मिल रहे हैं मुझे, 63 हो गए। तो एक TDM गेम प्ले करने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्रीन का टेम्परेचर 40.89 है, 41 के अराउंड है, ज़्यादा नहीं है। और बैक साइड का टेम्परेचर 42 के आसपास, 44 के आसपास है। अगर मैं कवर उतार देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे टॉप साइड में आपको 43-44 के अराउंड टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी थोड़ी सी गर्मी है तो इतना टेम्परेचर तो चला ही जाएगा आराम से। बट ओवरऑल TDM गेम प्ले में मुझे ज़्यादा कोई लैग्स देखने को नहीं मिले। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप क्लासिक गेम प्ले करते हैं तो वहाँ पे थोड़े बहुत लैग्स और इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिनको ये वाला अपडेट एंड्रॉइड 10 के साथ मिला होगा, उनको कुछ और चेंजेस भी देखने को मिले होंगे, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वाले अपडेट के बाद कुछ यही चेंजेस नोटिस करे थे मैंने, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपने कुछ और चेंजेस नोटिस करे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इससे मैं अभी थोड़ा और टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये अपडेट कितना सही है। बाकी आज वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का एम जो है उसे मत भूलिएगा 400 लाइक्स का। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप की मस्त वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी।